निजामाबाद। नाज़रीन कराम, मैं कबीर अकबाल केबी आर न्यूज में आपका खैर मुकदम करता हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर। शहर के डिवीजन 15 निजाम कॉलोनी के टीआरएस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले हरकियाती लीडर सैयद जावेद ने रुकन असेंबली बेगाला गणेश गुप्ता से एमएलए कैंप ऑफिस पर मुलाकात करते हुए इन्हें एक तस्वीर बतौर तोहफा पेश की। तस्वीर में रुकन असेंबली बेगाला गणेश गुप्ता के वालिद मरहूम कृष्णामूर्ति के अलावा एमएलए के भाई भी मौजूद थे। इस यादगार लम्हे को तस्वीर में कैद करके एमएलए को तोहफे में पेश किया। इस तोहफे को पाकर एमएलए गणेश गुप्ता ने खुशी का इजहार करते हुए सैयद जावेद से शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, यहाँ एक बात बता दें कि सैयद जावेद टीआरएस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हुए भी बहुत से सामाजिक कामों में सरगर्म रहते आए हैं और इलाके की हर मुश्किल को मुमकिन तौर पर हल करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने एमएलए से मुलाकात करते हुए निज़ाम कॉलोनी का दौरा करने की अपील की और इस बात पर एमएलए ने तयखुन दिया कि वो बहुत जल्द निज़ाम कॉलोनी का दौरा करते हुए 15 डिवीजन में तरक्याती कामों का आगाज करेंगे। KBR News, Nizamabad.